यहां पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि ही क्लाइम्ड द ट्री। यहां पर समझना है कि इसमें चार प्रेपोजिशन जो दे रखी है उनमें से क्या आएगा, मतलब ये हुआ कि वह पेड़ पर चढ़ गया, वह पेड़ पर चढ़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेड़ पर, तो क्लाइम्ड के बाद अप आता है, ठीक है, क्या आता है, क्लाइम्ड अप, क्या होता है, क्लाइम्ब अप, क्लाइम्ब अप। तो भाई जैसे मान लो एक पेड़ है, अब पेड़ के जो नीचे खड़ा है वो ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लाइम्ब अप, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मतलब क्लाइम का, क्लाइम के साथ प्रपोजिशन जो आता है वो अप आता है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन है दूसरा कि ही डज नॉट बिलीव हेल्पिंग अदर्स, यानी वो दूसरों की हेल्प करने में ना भरोसा नहीं रखता है। अब ये याद रखना है कि बिलीव के साथ प्रेपोजिशन जो आती है वो इन आती है, क्या आती है, इन आती है, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, आई डोंट बिलीव इन यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं रखता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, फॉर अ होल मंथ दे लिव्ड डैश फ्रूट एंड वाटर, यानी कि पूरा का पूरा महीना ना वो क्या है, फ्रूट्स, फल फ्रूट्स के और पानी के ऊपर क्या है, निर्भर रहे, मतलब जीवित रहे। अब ये समझना है आपको कि इसमें क्या आएगा, देखिए आपको ये पता होगा कि लेवॉन, लेवॉन का मतलब होता है जीवित रहना, यानी कि वो पूरा महीना क्या है, फल फ्रूट के ऊपर जीवित रहे, उन्हें और कुछ मिला ही नहीं, तो फल फ्रूट मिलते थे, पानी वगैरह, उनसे वो जीवित रहते थे। तो जीवित रहना, किसी के ऊपर जीवित रहना मतलब होता है लिव ऑन, क्या होता है, लिव ऑन होता है, लिव ऑन का मतलब होता है जीवित रहना, समझ में आ रहा है ना। एक होता है लिव इन, आपको तो ये तो पता होगा ना, आई लिव इन आगरा, तो ये हो जाएगा आगरा, ठीक है। तो लिव इन का मतलब होता है निवास करना, जहां पर आपका रेजिडेंस, आई लिव इन आगरा, ऐसे आप बोल सकते हैं, मतलब मैं आगरा में रहता हूँ। लिव ऑन का जैसे आई लिव ऑन फ्रूट एंड वाटर, मैं पानी और जो फ्रूट है उनके ऊपर निर्भर रहता हूँ, मतलब जीवित रहता हूँ खाना पीना खा के, तो वो होता है। आगे बात करते हैं, नो सूनर, ये वाला कॉन्सेप्ट एयरफोर्स में आया था 2000 आई थिंक 17 18 में था। अब इसमें क्या, देखो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, नो, नो का मतलब होता है नहीं, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि नो लिख रहा है, तो नो के साथ जो यहाँ पर जो कंजंक्शन चलता है ना, दोनों को जो जोड़ने का जो काम किया जाता है उसे ही आप याद रखना, तो वो होता है बेसिकली देन, क्या होता है, देन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना कंफ्यूज किया गया है, पेपर बहुत अच्छी तरीके से बनाया है उसने, एक तो देन ये दे रखा है ई वाला, और एक दे रखा है ए वाला, तो बच्चों ने अगर देन याद रखा हो ना, वो परफेक्ट उसे भूलने वाले हैं। अब मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ पर ए एन वाला आता है वो कैसे आता है वो समझना आप, देखो यहीं से रिलेट करो इसे, ये क्या लिख रहा है बताओ, नो लिख रहा है ना, इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन, इसमें ऐसे गुंडी से लगा दो, ये क्या हो गया, एन हो गया ना, तो देन जो आएगा वो ए एन वाला आएगा, तो ऐसे करके रिलेटेड याद हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ये कई बच्चों ने गलत किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट, उन्होंने कमेंट किया सर हमें देन वाला भूल जाते हैं, मैं हर वीडियो में से इसी तरह से बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और कई बार बन चुका है, तो देन वाला आप भूलना मत, आप एक दो बार रिपीट कर लेना, उसे समझ में आ जाएगा। तो नो सूनर डिड ही फिनिश स्पीच देन द ऑडियंस बिगेन अपलोडिंग, ठीक है, अपलोडिंग। आगे देखो, ही इज नॉट वेरी बट ही वॉन्ट्स टू मैरी अ चार्मिंग गर्ल, अब ये समझना है कि वो, अब चार में से देखो इसमें से क्या क्या आ सकता है। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में वॉकेब के ऊपर डिपेंड है, वॉकेब को समझना, इसमें वो चार स्पेलिंग दे रखी है ना, वो चारों की चारों अलग अलग होती हैं। देखो यहाँ पर फाइनली अट्रैक्टिव आएगा, कहना यू आर नॉट अट्रैक्टिव, यू आर अट्रैक्टिव, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, वह ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब आप कहेंगे सर जी प्रिटी क्यों नहीं लगाया, समझे, तो क्यूट, क्यूट क्यों नहीं लगाया, सर देखो चारों पांचों में ना अंतर है, वो कैसे अंतर है, अगर कोई बच्चा होता है तो उसके लिए लगाते हैं क्यूट, कहते ना ही इज वेरी क्यूट, ही इज नॉट वेरी क्यूट, समझ में आ गया, बच्चे के लिए क्यूट लगा ना, क्यूट बेबी ऐसे बोलते हैं, ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो वो लड़की के लिए लगाते हैं, ब्यूटीफुल लेडीज हो या फिर लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके लिए लगाते हैं ना ब्यूटीफुल। एक होता है प्रिटी, ये भी लड़कियों के लिए होता है, प्रिटी जिंटा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्रिटी ब्यूटीफुल, ये लड़कियों औरतों के लिए, बच्चों के लिए क्यूट, और जो मेल कैंडिडेट होते हैं ना जैसे हम तुम, तो वही होता है, मतलब वो अट्रैक्टिव होते हैं। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा कि पुरुषों के लिए अट्रैक्टिव, बच्चों के लिए क्यूट, और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, फीमेल के लिए, तो प्रिटी या फिर ब्यूटीफुल लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्यूट, प्रिटी, ब्यूटीफुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर किसी मेल की बात हो रही है, और देखो यहाँ पर वो बच्चा भी नहीं है, वो किसी
मतलब चार्मिंग गर्ल से शादी करना चाहता है, तो देखो बच्चा तो शादी करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्टिव आ गया। मैंने आपको चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन करके समझाया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आपने पहली बार सीखा, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताओ आपको कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा। अब मैं आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये भी बड़ा अच्छा है। देखो जो जो चुनिंदा कॉन्सेप्ट होते ना, ऐसे इंग्लिश तो काफी बड़ी है, आप परेशान हो जाओगे पढ़ पढ़ के, तो मैंने चुनिंदा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिया है जो रिपीट है और उनको समझाने में मजा आए। अब ये लिख रहा है वी हैव रन डैश सुगर कुड यू बाय। अब ये समझना है कि यहाँ पर ये देखो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से क्या आएगा। पहली बात समझो, यहां पर आ जाएगा आउट ऑफ, क्या हो जाएगा यहां पर आउट ऑफ आ जाएगा, मतलब वी हैव रन आउट ऑफ सुगर, मतलब हमारे पास है ना जो जो चीनी है वो बिल्कुल क्या है रन आउट ऑफ हो गई है। तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है समाप्त होना, खत्म हो जाना। और कुड यू बाय सम मोर, क्या तुम कुछ और खरीदोगे, तो यहां पर बेसिकली रन आउट ऑफ होगा क्योंकि यहां पर चीनी खत्म हो गई है, आगे चीनी खरीदने की बात हो रही है, तो बेसिकली यहां पर रन आउट ऑफ एकदम सही है। ठीक है, ये समझ लेना आप, आ जाएगा समझ में। देखो चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं है। देखो यहां पर मैंने आपको समझाया था ये पेड़ है और क्लाइंब के बाद अप आता है, अगर चढ़ने की बात की जा रही है, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया। अब देखो बिलीव के बाद इन आता है, ये मैंने आपको समझा दिया ये रट्टा। अब मैं एक बार रिविजन करवा रहा हूं, पूरे मंथ उसने दे लिव्ड फ्रूट एंड वाटर, वो पानी फ्रूट और पानी के ऊपर जिंदा रहे, तो जीवित रहना को बोलते हैं लिव ऑन, क्योंकि वो लिव ऑन की जिंदगी रहने के लिए बात हो रही है ना, और लिव इन का मतलब होता है कि निवास करना। मैंने बोला नो, मैंने इसे उल्टा लिखा था तो ये बन गया था एन, मतलब देन, एन बोले तो देन, तो यहां पर सी वाला एकदम सही है। यहां पर देखिएगा लड़के की बात की जा रही है जो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन वो एक चार्मिंग लड़की से, एकदम चकाचक वाली लड़की से शादी करना चाहता है, तो बच्चे के लिए क्यूट लगाते हैं, लेडीज के लिए हम प्रिटी या फिर ब्यूटीफुल लगाते हैं, लेकिन मेल के लिए अट्रैक्टिव लगाते हैं, तो यहां पर मेल की ही बात की जा रही है। आगे देखो मैंने बोला ना यहां पर सुगर खत्म हो गई है, कि आप कुछ और सुगर खरीदोगे, तो यहां पर रन आउट ऑफ एकदम सही हो जाएगा। देखो आपको रिविजन भी करवा दिया, आप बोलते हो ना सर जी रिविजन भी करवा दिया करो, करवा दिया। अब यहां पर मैं थोड़ा और अच्छा चलो लास्ट में मैं आपको एक थोड़ा सा बातचीत करूंगा, पहले इस टॉपिक को खत्म करता हूं। अब आपको समझना है विंट्री, विंट्री का ये आई थिंक सिनोनियम है, हाँ बिल्कुल, बेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको इसका सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, तो देखो विंट्री का मतलब होता है वही विंटर, विंटर सीजन मतलब कोल्ड वाला, तो ये हो जाएगा कोल्ड। ठीक है, विंट्री का मतलब होता है ठंडा, तो यहां पर कोल्ड हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, ऐसा तो नहीं है मतलब ऊपर से जा रहा है। देखो सुनो मैं आपको बताऊं, वोकैब हो या फिर कोई भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई प्रेपोजिशन हो या फिर कोई कंजंक्शन हो, यार यही सब रिपीट होते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता। ये जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूं वो सारे ग्रामर के टॉपिक इसमें आ जाते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता है, इसलिए मुझे ये प्रेफर बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब यहां पर रेनी का मतलब क्या होता है, जहां पर बारिश वारिश से संबंधित है। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म, समझ में आ रहा है ना। एक होता है फॉगी, फॉगी का मतलब जो कोहरा वगैरह आ जाता है। ठीक है, आगे देखो एंटीपैथी, कई बार रिपीट हुआ याद कर लेना, ये एयरफोर्स एमटीएस में आया था, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। एंटीपैथी, देखो एंटीपैथी का मतलब होता है कि एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म का मतलब होता है नफरत किसी से, हेट घृणा, एंटीपैथी, समझ में आ गया ना। तो ये हो जाएगा एंटीपैथी का मतलब हो जाए एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म का मतलब किसी से नफरत करना, आई हेट यू। ठीक है, अच्छा एक और देखो, अब ये समझना है प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंस का मतलब होता है किस्मत, किसी का भाग्य है ना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोविडेंस, तो प्रोविडेंस का मतलब होता है भाग्य हो गया। एक होता है अपैथी, अपैथी का मतलब होता है जिसका कोई भी प्रभाव ही नहीं हो, प्रभावहीन। एक होता है एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के प्रति सहानुभूति, समझ में आ गया ना। यार देखो इससे ज्यादा एक्सप्लेन और क्या हो सकता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूं। अभी आपको उल्टा बताना है, उल्टे देखो एड्रॉइट, एड्रॉइट का यहां पर उल्टा पूछा यानी कि एंटोनियम पूछा, तो एड्रॉइट का मतलब होता है जो हर किसी चीज में एकदम निपुण हो, एकदम दक्ष हो। उल्टा क्या हो जाएगा, क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है जो किसी भी चीज में दक्ष हो ही नहीं, एकदम गधा बेकार, तो ये हो जाएगा क्लमजी, यहां पर एकदम सही हो जाएगा। बाकी देखो जो बच्चे वो उनको एक बार आप पढ़ लो, वो मैं आपको समझाता हूँ। बाकी देख क्या, देखो स्किल फुल, जिसके अंदर स्किल पूरे भर रहे हो मतलब फुल, तो ये हो जाएगा वही एड्रॉइट कहते हैं उसे। ड्राई का मतलब सूखा और हेल्पफुल का मतलब जो मददगार हो, सहायक हो, सहायता करता हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो बोरो, और इसको आप याद रखें, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, और लैंड का मतलब उधार देना, समझ में आ गया ना भाई। आप लैंड जो है वो देते ही तो
जैसे आपके पास जमीन भूमि आप किसी को दोगे ना, यस और नो, देखो हमारे पास बहुत सारी जमीन है तो हम किसी को दे सकते हैं, तो वो गया लैंड हो गया। और बोरो का मतलब क्या ना ये, अरे साहब आप तो बोरे हो, तो गांव में मतलब कोई अगर पैसा देता है ना किसी को तो क्या हो जाता है, बोरे हो जाता है। बोरे बोलते हैं उसे जो भी मतलब पैसे वगैरह किसी को देता है, पैसे वाले व्यक्ति को बोलते हैं बोरे, ठीक है ना। तो लैंड का मतलब उधार, समझ में आ गया। अच्छा ये चीजें क्या होती हैं, आप एक दो बार रिपीट करते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो आपको समझ में, लैंड का मतलब उधार देना और बोरो का मतलब उधार लेना। अच्छा एक देखो अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है। देखो अडॉप्ट का मतलब होता है बच्चा गोद ले लिया किसी ने, सी अडॉप्टेड अ बेबी, तो ये अडॉप्ट हो गया मतलब बच्चे वगैरह जो गोद लेते हैं उसे प्राप्त, ठीक है, धारण करना। ऑप्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना, ठीक है ना। मैंने 25 जो है मार्क्स ऑप्टेन किए आउट ऑफ, ठीक है, 50। एक इसमें लीज, लीज का मतलब है ना पट्टे पर देना, जमीन वगैरह भी आप लीज कर देते हैं लैंड को भी, तो लीज होता है पट्टे पर देना। तो फिलहाल में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखो जेनोरियस, जेनोरियस का मतलब समझ, देखो जेनोरियस, जेनोरियस का मतलब होता है जो एकदम उदार, उदारतावादी हो, उल्टा हो जाएगा मिजरली। मिजरली का मतलब होता है बहुत लालची टाइप का, कंजूस टाइप का। फिलहाल में इसका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। आ रहा है ना एक दो, एक और इसमें स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम सर्टेन हो, निश्चित हो। एक इसमें इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब जो बिल्कुल एकदम उदासीन हो। एक इसमें कंसर्न, कंसर्न का मतलब ये हो गया चिंता विंता से संबंधित है, ये वर्ड सम किसी से चिंतित, कोई यू नो कंसर्न है, कंसर्न है, प्रॉब्लम है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटा